चल गई हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग नमस्कार ठीक है हाँ सो so कैसे हैं सभी लोग होप यू ऑल आर फाइन और तैयारी चल रही होगी जोरो शोरी से आखिरी के 10 15 दिन बाकी हैं आज आएगी आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो स्ट्रेटजी ऑफ 15 डेज ठीक है सो so हम प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज जो है डिस्कस कर रहे हैं उस सीरीज के अंदर हमने 2018 और 2019 का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस किया था तो मुझे लगा साथ साथ उन्हीं दोनों पेपर्स का मैं इंग्लिश सेक्शन और आपको डिस्कस कर लेती हूं ताकि एक पेपर साथ साथ निपट जाए और हिंदी सेक्शन की संडे को मतलब जितने भी हिंदी के पीवाईक्यू क्यू हैं संडे को सबके एक मैराथन टाइप हो जाएगी चाहे दो घंटे लगे चाहे तीन घंटे पूरे पी वाई क्यू हिंदी के एक साथ निपटा देंगे ठीक है हाँ सो so, स्टार्ट कर लेते हैं भाई ये 2018 का पेपर था जो हमने डिस्कस किया था 2020 सॉरी 2020 इंग्लिश टीजीटी अरे रुक जा भाई तू तेरे को भी क्या दिक्कत है एक सेकंड एक सेकंड सॉरी तब तक मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ हाय एवरीवन जो पहली बार देख रहे हैं मैं बता दू दिस निशा शर्मा योर फ्रेंड योर गाइडर गाइडर वैसे गलत शब्द होता है गाइड सही होता है बट मुझे ना थोड़ा बोलने की आदत पड़ी हुई है फ्लो में ठीक है So, हम डिस्कस कर रहे हैं एस्टेट के प्रीवियस पेपर और कुछ बच्चों को बहम होता है कि एस्टेट की है तो एस्टेट में ही काम आएगा लेकिन ये सब्जेक्ट है ये सब जगह काम आने वाला है ठीक है ये बोर्ड भाग गया था चलो आ गया अब हम इसका इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस करते हैं खुल जा ये क्वेश्चन है चूज द पार्ट ऑफ़ द सेंटेंस विच इज इन करेक्ट आपको एक सेंटेंस चूज करना है जो कि इनकरेक्ट है जो कि सही नहीं है आपको उस सेंटेंस को चूज करना है आपको बताना है भाई वो कौन सा सेंटेंस है जो सही प्रयोग नहीं हुआ है तो ऑप्शन है हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन तो आपको पता वर्थ और बिजी के साथ बेसिकली हम किसका प्रयोग करते हैं भाई विजिबिलिटी एकदम ओके है वर्थ और बिजी के साथ वैसे भी आता है मोस्टली यदि बात करें तो हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन तो टू बी सीन इज नॉट द राइट शब्द तो टू बी सीन राइट नहीं है ये डी ऑप्शन में है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा डी रहेगा ठीक है से से कितने सारे है। तो मॉडल्स की बात करें वेन डैश वी एक्सेप्टिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी के लिए आपको कोई मॉडल बताना है और यदि हम इन ऑप्शन की बात करें तो आपको आगे सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है कि पॉसिबिलिटी कैसी आएगी मैडम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ये और मे विल है डेयर इनके अंदर से कौन सा मॉडल है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी का यूज होता है तो कौन सा मॉडल है जिसके लिए पॉसिबिलिटी का यूज होता है भाई तो ये आपका जो मे मॉडल है आपका जो मे मॉडल है इसके लिए क्या होता है पॉसिबिलिटी यूज होती है इन गिवन ऑप्शन में और कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसके अंदर हम पॉसिबिलिटी को यूज कर सकते हैं तो मे ऑप्शन के अंदर आपका क्या यूज होता है भाई पॉसिबिलिटी यूज होता है नेक्स्ट है द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्रेजल वर्ब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए uh, मैंने ना यूट्यूब पर ही एक प्लेलिस्ट बना रखी रखी है है इंग्लिश करके वीडियोस वीडियोस करवा बारा. मैं कह रही गिन के वो बारा वीडियोस कर जाना बस इंग्लिश करकेबलरी की उनमें से आपको तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो भी आएंगे उनसे बाहर नहीं आएगा ठीक है तो वो बारह वीडियो जरूर देखे सभी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड अंडरलाइन वर्ड का फ्रेजल वर्ब आपको बताना है मोस्ट ऑफ द पेशेंट रेस्पेक्ट डॉक्टर फॉर हिस्स काइंडस तो रेस्पेक्ट के लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए किस फ्रेजल वर्ब को हम यूज करते हैं जब रेस्पेक्ट की बात करते हैं तो पे बैक, पे बैक तो होता है किसी को वापस मुड़ के समान देना मेक ओवर लुकअप टू या जस्ट फोर तो किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए हम लुकअप शब्द यूज करते हैं ठीक है लुकअप टू कि भाई वो डॉक्टर को बड़ी अच्छी दृष्टि से देखते हैं तो इस तरीके से हम मतलब याद कर सकते हैं तो आंसर रहेगा फोर नेक्स्ट है द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन लाइन वर्ड अंडर वर्ड को आपको करेक्ट मीनिंग चूज करना कि कौन सा जो शब्द है वो अंडरलाइन शब्द के साथ सही मैच कर रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग द बेबी मंकीज रन एवरी विच वे एवरी विच वे का मतलब क्या है हर एक डायरेक्शन में हर एक तरीके से कुछ तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस के फ्रेजे आ जाते हैं जिनको समझने की भी जरूरत नहीं होती देखिये एवरी विच वे हर एक तरीके से जो तरीका हो सकता है उस तरीके से वो फिर रहे हैं तो आप स्ट्रेट का तो मतलब ही नहीं आप स्ट्रेट का मतलब तो सीधी सीधी फिर रहे होंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन मतलब इन एवरी एन ईच वे हर तरीके से तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो फिर रहे हैं तो आंसर रहेगा थ्री आंसर रहेगा थ्री नेक्स्ट है चूज द करेक्ट टेंस आपको एक करेक्ट टेंस बताना है कि कौन सा टेंस सही है यहाँ पर नैंसी डाइड लास्ट वीक ध्यान से देखिएगा नैन्सी मर गई बेचारी लास्ट वीक पे बिकॉज शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर समटाइम तो नैंसी डाइड लास्ट वीक नैन्सी बेचारी जो है लास्ट वीक क्या है भाई मर गई थी बिकॉज क्योंकि वो सफरिंग शी हेड बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस या वट एवर इट मे भी वो कैंसर से सफरिंग कर रही थी तो आपको पता है आ, वी टू आ जाए लास्ट आ जाए मैंने तुम्हें टेंस एक बात ध्यान से सुन लीजिए जो मैंने तुम्हें इंग्लिश की मैराथन करवाई है मेरे को एक बात समझ नहीं आई पार्ट वन की मैराथन तो दो, दो लाख प्लस लोगों ने देख ली मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि पार्ट वन देख के तुम पार्ट टू नहीं देखते क्या मतलब आधा ज्ञान छोड़ देते हो क्या पार्ट टू की मैराथन अब तक मात्र पचास साठ हजार बच्चों ने देखी है इसका मतलब पार्ट टू में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा पार्ट वन के बचे हुए टॉपिक ही तो पार्ट टू होते हैं दोनों मैराथन देख लेना साथ में वो की पीडीएफ देख लेना इंग्लिश में पंद्रह में से तेरह क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रही हूं कि ओन कंटेंट आ जाएंगे ठीक है तो मैराथन जरूर देख लेना दोनों की दोनों देखिए तो इसका आंसर आएगा हैड बीन सफरिंग तो आंसर रहेगा थ्री हैड बीन सफरिंग इंग्लिश में ज्यादा चार ऑप्शन को समझाने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि सीधे सीधे ही है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द गिवन एक्सप्रेशन आपको मॉडल फिल करना है कोई गिवन एक्सप्रेशन है उसके लिए इफ यू डोंट डू अगेन यदि आप ऐसा दोबारा नहीं करने वाले यू डैश पनिस्ड तुझे पनिश किया जाएगा अब ध्यान से देखिएगा बेसिकली हम पढ़ते हैं प्रिया आप वो कर देना टेलीग्राम टेक्स्ट कर देना इफ यू डोंट डू अगेन एक मिनट मॉल टेस्ट पेपर से रिलेटेड कोई इशू है तो मोल टेस्ट पेपर के फ्रंट पेज पर दो फोन नंबर दिए गए हैं कृपा वहीं संपर्क करें ठीक है देखिए इफ यू डू डेट अगेन डैश बी पनिश्ड थ्रेट यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमेशा इसके अंदर विल भरते हैं कि विल विल आएगा विल आएगा लेकिन इसके तो ऑप्शन में विल ही नहीं है मैं इसलिए बता रही हूं कि ऑप्शन में विल होता तो बहुत सारे बच्चे विल भरने की कोशिश करते बट यहाँ पर थ्रेट है आपको पता जब थ्रेट होता है डिटर्मिनेशन होता है इस टाइप का कौन सा सेंटेंस होता है तो शेल विल अपोजिट हो जाते हैं तो शेल विल क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते हैं तो यहां पर आंसर रहेगा आपका शेल यहाँ पर आंसर रहेगा शेल ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिटेक्टिंग अर्थ क्यू भूकंप को डिटेक्ट करने के लिए भूकंप मापने का जो यंत्र होता है ये तो हम के अंदर भी पढ़ते हैं भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा सिस्मोग्राफ ठीक है भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है सिस्मोग्राफ कहा जाता है भूकंप मापने के यंत्र को हम क्या बोलते हैं सिस्मोग्राफ तो आंसर रहेगा थ्री ठीक है आंसर रहेगा थ्री दैट इज सिस्मोग्राफ हो गए क्या पंद्रह क्वेश्चन ना आगे नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स अंडरलाइन वर्ड्स का मीनिंग आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द है जो अंडरलाइन शब्द है उसका क्या मतलब होगा इट इज पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट इज टू देयर ओन ये क्या कह रहा है इट इज is... इट इज ए पिटी ऑन यू भाई तेरे ऊपर मुझे दया आ रही है भाई तुझे फुटबॉल जैसा बढ़िया गेम पसंद नहीं है ठीक है तो ये कह रहा है कि बट ईच टू देयर ओन ये चीज पे ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है ईच टू देयर ओन का मतलब क्या होता है हर बंदे का अपना अपना नजरिया है ना ईच टू देयर ओन का मतलब होता है हर बंदे का अलग अलग नजरिया तो एवरी वन हैज डिफरेंट ओपिनियन एवरी वन हैज सिमिलर ओपिनियन ईच टू हैव देयर ओन ओन का मतलब सबकी अपनी मर्जी सब अपनी मर्जी के मालिक चीजों को यहाँ से समझो अपने आप अप ऑप्शन आ जाता है ईच एंड ऑल सेम नहीं होगा फुटबॉल लाइक सेम नहीं होगा ये नहीं होगा आंसर रहेगा वन एवरी वन हैज डिफरेंट ओपिनियन ईच टू देयर ओन का मतलब होता है एवरी पर्सन हैविंग डिफरेंट ओपिनियन ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको रटने की भी जरूरत नहीं होती ऑटोमेटिक आ जाते हैं नेक्स्ट देखिएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक कुछ करेक्ट ऑप्शन बताना है आपने फिलिंग इन द ब्लैंक के अंदर की कौन सा आएगा इमिजिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग थिंग बट ये तो सीधा सा है कुड सी नथिंग नथिंग बट का पेयर बनता है तो यहाँ पर answer क्या आएगा भाई बट ठीक है और ऑपरेशन के बाद उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है एक धुंधली धुंधली शेडो के अलावा तो आंसर रहेगा बट नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्रेजल वर्ब ऑफ अंडर लाइन वर्ड अंडर लाइन वर्ड का फ्रेजल वर्ब आपको चूज करना है आई डोंट नो हाउ वी आर आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कॉप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स तो ये कह रहा हूँ हमें नहीं पता भाई हम विंटर्स के साथ कैसे मतलब एक तरह से, सेट डाउन करेंगे अपने आप को तो मतलब एक तरह से कॉपिप विद का मतलब होता है मेकअप फॉर नहीं होता पुट डाउन सेटअप पुट अप विद पुट अप विद का मतलब किसी भी चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करना किसी भी चीज़ को अपने साथ अरेंज करना एडजस्ट करना तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पुट अप विद ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं पुट अप विद अभी डडला ने कमेंट लिखा है एम सी कॉलोनी ये तो मुझे यार याद आ रहा है एम सी कॉलोनी तो चरखी दादरी के अंदर है बस स्टैंड से आगे है ना पुट अप विद ठीक है तो मुझे मतलब चरखी दादरी कोई भी चीज देख के है ना अपना मतलब क्या बोलते हैं बचपन और जवानी याद आ जाती है पच्चीस साल बिताए हैं मैंने दादरी में हाँ ठीक है तो पुट अप विद तो पुट अप विद का आंसर रहेगा टू आंसर रहेगा टू वहां कोई स्कूल भी होता था पता नहीं कौन सा चलो नेक्स्ट है दे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिलिंग इन द ब्लैंक आपको एक प्रेपोजिशन भरनी है जो ब्लैंक के साथ है देखते हैं कौन सी है दे वॉकड द फुटपाथ अंटिल दे दे कम टू द वॉक अलोंग द फुटपाथ वही फुटपाथ के साथ साथ मतलब अलोंग विद होता है ना उस तरीके से तो आंसर रहेगा अलोंग ठीक है आंसर रहेगा यहां पर अलोंग तो आंसर है थ्री ठीक है नेक्स्ट hmm. है चूज द करेक्ट टेंस आपको फिल करना है जो सही टेंस यहाँ पर गिवन है आपको वो टेंस यहाँ पर क्या करना है भाई, fill करना है। सुबह सुबह भी अच्छे खासे पढ़ने आ गए तुम तो शबास कल भाई मैराथन है सुबह मैं बता दू मैथ्स की पार्ट टू की मैराथन है कल मैथ्स की और जरूर हाजिर हो जाना सभी बच्चे बिल्कुल चूज द करेक्ट टेंस माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट आपको पता है सिंस के बाद वी टू आ जाता है तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगता है उसमें क्या लगता है भाई प्रेजेंट परफेक्ट लगता है तो माय कार हैज ब्रोकन डाउन तो आंसर आएगा दो माय कार हैज ब्रोकन डाउन फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट ठीक है तो आंसर रहेगा क्योंकि भाई जब से मैंने खरीदी है तब से ये ब्रेक डाउन हो रही है दो तीन बार होली और भी होती रहेगी ठीक है तो ये जो चीज है आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इन करेक्ट अच्छा एक सेकेंड चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज देखिएगा चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इन करेक्ट आपको एक इनकरेक्ट पार्ट है सेंटेंस का वो चेकआउट करना है कौन सा है जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट डिनर james is busy to prepare नहीं होता भाई james is busy to preparing tonight dinner आपको पता वैसे भी टू नाइट आ जाता है यहाँ पर इज आया हुआ है यहां पर टू नाइट आया हुआ है तो आई मतलब कंटीन्यूअस टेंस आएगा तो टू कैसे आएगा ठीक है तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका आपका आंसर रहेगा सी ठीक है आपका आंसर क्या रहेगा भाई 58 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आंसर सी रहेगा ठीक है हम नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिलिंग इन द ब्लैंक आपको एक सही ऑप्शन बताना है फिलअप का द रूम वाज एम्पिटी फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर रूम वाज एम्पिटी डैश फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर भाई रूम इतना ही खाली है कि एक चेयर आ सकती है तो एक्सेप्ट आंसर रहेगा वन एक्सेप्ट फॉर द ए कॉर्नर मतलब एक कॉर्नर को छोड़ के मतलब एक तरह से कॉर्नर में ही जो भी रखा जा सकता है तो आंसर रहेगा वन आंसर रहेगा वन ठीक है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दो हजार बीस पी जी टी पेपर सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन ट्रू द गिविंग ब्लैक प्रपोजिशन चूज करना है अपने ब्लैंक का द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार में प्रोग्राम को क्या किया जा रहा है भाई ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है पूरे संसार में प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है तो आंसर रहेगा अक्रोस ठीक है आंसर क्या रहेगा भाई अक्रोस द वर्ड ठीक है आंसर क्या रहेगा अक्रोस द वर्ड नेक्स्ट हमने जो साइकोलॉजी डिस्कस की थी वो 2020 की भी की थी ना तो 2020 की भी साथ करवा देती हूँ ताकि जो फिर हम रात को पता क्या करेंगे साइकोलॉजी के साथ इंग्लिश का सेक्शन भी साथ साथ कर लिया करेंगे एक पेपर जो होगा वो पूरा हो जाएगा और संडे को या मतलब किसी भी एक दिन हिंदी के सारे पेपर एक साथ लूंगी तीन चार घंटे की क्लास हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है बट उसमें हिंदी के सारे पी वाई क्यू एक साथ निकल जाएंगे चलो नेक्स्ट पेपर एक बार डिस्क... निकाल लेती हूँ मैं एक सेकेंड भाई कैसी लग रही है भाई तुम्हें ये सीरीज कमेंट कमेंट करके बता दिया करो क्या बात पंद्रह के पंद्रह तुम तो धुआंधार हो गए भाई अब जिस बच्चे ने मुझसे अंग्रेजी पढ़ रखी है ना मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ तेरह से चौदह क्वेश्चन ऑन बोर्ड मिलेंगे अब वो कैबलरी एक ऐसी चीज है जो एंडलेस है फिर भी मैंने यूट्यूब पर भी जितनी पढ़ा रखी उतनी बहुत है वो कैबलरी की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं हुआ करती मैंने आठ नौ क्लास पढ़ा रखी है दस बारह उनमें से ही आ जाएंगे ठीक है तेरा ठीक है शाबाश मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एसलेट की इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती बेहसरते इंग्लिश पढ़ाने वाला बंदा बोरिंग ना हो और तुम्हें पता है मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं हूं है ना तो अंग्रेजी बहुत आसान चीज है तुम मेरी दो मैराथन भी देख जाओगे ना दो मैराथन भी देख जाओगे ना तो भी तुम्हारे बारह तेरह नंबर कहीं नहीं गए अंग्रेजी में ठीक है मुश्किल लग रही है अंग्रेजी मैडम जब आप पढ़ाते हो ना सब कुछ बहुत आसान लगता है जब हम असली पेपर देखते हैं ना बहुत मुश्किल लगते हैं अब मेरे से बता दो कौन सा बालक है जिसको पेपर मुश्किल लग रहे हैं है पेपर मुश्किल नहीं होते बस तुमने ना कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा समझ रखा होता चलो अब इसको करते हैं इंग्लिश ये है पीजीटी 2020 जो हमने कल रात को जिसकी साइकोलॉजी डिस्कस की थी अरे भाई ये तो गड़बड़ होगी ये पीडीएफ तो सिर्फ साइकोलॉजी की है एक मिनट रुको भाई एक सेकंड लगेगी मैं पेपर पढ़ा होगा एक मिनट रुक जाओ ब्रेक फॉर ए वाइल पेपर तो होना चाहिए मेरे इसके अंदर अरे भाई PGT 2020 का पेपर मिलेगा मिलेगा रुको रुको शांति PGT 2020 मिलेगा ठीक है नहीं तो मैं डाउनलोड कर लूंगी एक मिनट लगेगी एस्ट्रेट पी 2020 टी दो हज़ार बीस 2021 पी सी टी वेट 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 चलो तब तक मैं तुम्हें कुछ डोज दे देती हूँ एक सेकेंड में इसको हम पेपर को डाउनलोड कर लेंगे एक सेकेंड लगेगा मेरे पास है चल जा खुल जा, सिम सिम जो कि फिर वही पेपर करवाऊंगी ना जिसकी हम साइकोलॉजी कर चुके हैं पेपर दो हजार इक्कीस में पढ़ा है बट वो रात को करेंगे क्योंकि जिसकी हम साइको ये रहा निशा टू ये हमारा नंबर है इसके अंदर ये आपका पेपर है इंग्लिश पीजीटी 2020 ये दो हजार बीस ये डन पीजीटी करा ना हाँ चलो भाई थैंक यू सो मच हाँ ये इंग्लिश के जो साठ साठ नंबर वाले हैं ना ये भी करवा दूंगी टीजिटी uh, इंग्लिश का आज ही करवा दूंगी और पीजीटी इंग्लिश का कल करवा दूंगी साठ साठ नंबर वाला जो सेक्शन होता है वो तुम्हें करवा दिया जाएगा तुम मतलब तुम मेरे होते हुए टेंशन कैसे ले सकते हो मुझे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ साइकोलॉजी का सेक्शन है उसके अंदर नहीं तो पहले मैं सेट करके रखती भाई अब भी 2020. अभी तो दो हजार बीस कभी कभी ऐसा गड़बड़ हो जाता मिल गया <laughs> चलो ये पीजीटी दो हजार बीस है अपना पीजीटी दो हजार बीस चलो इस पेपर के अंदर बहुत सारे एरर आए थे दो तीन नंबर मिले थे बालकों को डिस्कस कर लेंगे कौन से एरर आए थे फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द पार्ट सेंटेंस डेट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आपको वो पार्ट सेंटेंस का चूज करना है जो ग्रामर के हिसाब से इनकरेक्ट है मतलब जो ग्रामेटिकली सही नहीं है वो पार्ट आपको क्या करना है भाई choose करना है यहां भी तो होगा पेपर मेरे पास का तो ग्रामेटिकली क्या करना है इनकरेक्ट को आपको चूज करना है डेट्स डेट ट्वाइस आई है week. डेट ट्वाइस ये दूसरी बार है कि मैं अपनी डायरी लेके आना जो है भूल गया हूं तो डेट ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक तो डेट इज ट्वाइस ये दूसरी बार है डेट आई हैव बीन फॉरगेटिंग नहीं आएगा पास्ट टेंस यूज होएगा तो ये जो है एरर है यहां पर तो आंसर रहेगा टू आंसर टू इज अ एरर तो आंसर टू क्या रहेगा भाई एरर रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन आपको सही ऑप्शन को फिल करना है ऑफ द टू नॉवल्स अब बताने की जरूरत नहीं भाई दो के बीच कंपेरिजन हो रही है तो आपकी कंपेरेटिव डिग्री यूज होगी ठीक है ऑफ द टू नॉवल्स दिस इज मोर इंटरेस्टिंग तो आपको पता है एक सेकेंड होल्ड कीजिए दिस इज मोर इंटरेस्टिंग बेल बजी है विनीता विनीता बहन नीचे ना बेल बज रही है कूड़े वाला होगा डाल दियो डाल दियो फिर रखा रह जाएगा नहीं तो अरे नीचे है ना बैल बजिए कूड़े वाला है डाल दियो नहीं तो रखा रह जाएगा अभी डाल दे चला जाएगा वो भाग जाएगा नहीं तो सॉरी 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 यार घर गर गृहस्थी में है ना सारे काम संभालने पड़ते हैं <laughs> देखो तो फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन तो आंसर रहेगा भाई मोर इंटरेस्टिंग जब भी दो चीजें होती हैं दो चीजों के अंदर जब आप किसी आ, एक को वो करते हो मतलब लाइक देखो भाई मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करती मतलब कई बच्चों को लगा यार क्लास के बीच में क्या मैडम कूड़े की बातें कराई अब भाई देख एक हाउस वाइफ हूं मैं और एक हाउस वाइफ को सारी तरीके के काम काम काज देखने पड़ते हैं अब ये सारी चीजें मतलब मैं ही देखती हूँ घर में सीधी सी बात है हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है तो ये नहीं है कि क्लास के बीच चला गया तो, तो दूसरे दिन आएगा मेरे घर में रखा रह जाएगा ठीक है तो मोर इंटरेस्टिंग तो आंसर रहेगा टू ठीक है मैं बहुत सफाई के लिए वहमी हूँ आंसर रहेगा टू एक बार एस्टेट होने दो फिर तुम्हें होम डेकोरेशन की बहुत सारी वीडियो सिखाया करूंगी छोटी छोटी चीजों से डेकोर करना नेक्स्ट है चेंज द नरेशन अब आपको नरेशन चेंज करना है देखिए ही सैड उसने कहा आई हैव बीन स्पेंडिंग लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन आप ध्यान से देखिएगा ही सैड डेट He said, I have been spending. जब हम नरेशन करते हैं जब हम नरेशन करते हैं तो टेंस चेंज करते हैं ठीक है अब आपने कुछ नहीं करना होता जब आपको कुछ नरेशन समझ ना आ रहा हो कुछ पल्ले ना पड़ रहा हो ना पेपर में तो आप ऑप्शन पर आ जाए ठीक है आप किस पे आ जाए भाई ऑप्शन पर आ जाए और जब आप ऑप्शन पर आओगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हैव बीन है तो हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना जहां पर बीन मिलेगा तो कई ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट हो जाते हैं आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती देख देख बीन इसमें है इसमें तो है ही नहीं ड है इसमें भी नहीं है देखो देखो कितना तगड़ा ऑप्शन मतलब मैंने तुम्हें तरीका बता दिया नरेशन करने का कईयों को तो आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है तो आंसर रहेगा वन ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन वैसे करके देख लो अब ही टोल्ड मी ये अंडरस्टूड है मतलब कई बार डाल देते ऑप्शन में ना भी डाले ही टोल्ड मी डैट किसी को तो बोला ही होगा तो कुछ अंडर अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही एड हो जाते हैं डैट ही आई है आई आपको पता फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग तो ही हैड हैज बीन को बदल गया had been में स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन हिज क्यों आया भाई क्योंकि यहां पर माई था माई फर्स्ट पर्सन है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यदि ये पॉजिटिव के रूप में है तो आपका सब्जेक्ट भी ही नहीं हिज के रूप में आ जाएगा तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है जब आप पढ़ते हो तो आंसर रहेगा वन आंसर क्या रहेगा भाई वन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन नहीं 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 लास्ट कौन सा है फोर्टी नाइन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन देखिएगा फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट परफेक्ट क्वॉंटिन्यूस टेंस ये ये क्वेश्चन भाई पेपर में गलत है ध्यान से देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका फोर्टी नाइन ये पेपर के अंदर गलत है और इसका नंबर सबको मिला था ग्रेस कैसे गलत है ध्यान से देखिएगा ये देखो आप फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट परफेक्ट क्वान्टूस टेंस ऑप्शन में तो ये बोल रहा है भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भर दो ठीक है ऑप्शन में क्या बोल रहा है परफेक्ट क्वान्ट्यूस भर दो और नीचे कहीं भी परफेक्ट क्वान्ट्यूस दे ही न, नहीं रहा ठीक है नीचे कहीं भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे ही नहीं रहा तो इसका क्या मिला था भाई इसका ग्रेस मार्क्स मिला था हु वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग तो हु यू सेड से डिड यू से Who did you say was coming? तो इसका आपको स्टार मिला था इस पेपर में दो गलतियां थी दोनों का आप लोगों को नंबर मिला था और ऑफिशियल आंसर की में स्टार लग के जो है इनका आया था तो मतलब मार्क्स मिले थे क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी कॉन्टिन्यूस टेंस है ही नहीं 49 का तो वैसे आप इसमें से भर के देख लो तो हु तो गलत है हु डिड यू सेव वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग हु डिड यू सैड डिड यू से डेट तो हुए मतलब वैसे यदि हम तुक्का मार काम करें तो यहाँ पर आंसर uh, क्या कर सकते हैं भाई टू कर सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आंसर हम ये कर सकते हैं लेकिन वैसे मैं बता रही हूं कि एस्टेट में इसका नंबर मिला था जो कि लोगों ने क्लेम कर दिया था कि तूने ने यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों लिखा और ऐसा इसने तीन क्वेश्चन में लिखा था पहली बार एस्टेट की इंग्लिश में गलती हुई थी अदरवाइज एस्टेट की इंग्लिश में गलती बहुत कम होती है नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरना है यहाँ पर भी ठीक है ही डैश फॉर फाइव आवर्स तो ही हैज बीन स्लीपिंग फोर फाइव आवर्स ठीक है तो ये तो पांच घंटे से सो रहा है फोर फाइव आवर ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसने ऐसे लिख के क्यों दिया ऐसे लिख के दे रहा है तो सबको उत्तर पता हो गया फिर पेपर वाला मतलब बच्चा करेगा क्या है ना तो ऐसे लिख के नहीं देना था तो यहाँ पर ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर फाइव आवर बच्चों को खुद समझना था भाई फोर फाइव आवर पिछले पांच घंटे से काम हो रहा है तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट भरना है बट यहाँ तो उत्तर ही भर के दे दिया इन्होंने क्वेश्चन में ही ठीक है बट आंसर रहेगा डी नेक्स्ट है ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर डैट फुटपॉथ द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स तो मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट बताया था कि द ग्रोइंग नंबर आए तो सिंगुलर लगेगा ए ग्रोइंग नंबर ए नंबर ऑफ आए तो ब्लूर लगेगा ठीक है तो द ग्रोइंग नंबर है तो द ग्रोइंग नंबर है तो इज डेमेजिंग तो आंसर रहेगा इज डेमेजिंग ठीक है आंसर क्या रहेगा इज डैमेजिंग द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर इज डैमेजिंग द फुटपाथ तो वो फुटपाथ को क्या कर रहे थे भाई डैमेज कर रहे थे कौन ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स जो है फुटपाथ को डैमेज कर रहे थे ठीक है नेक्स्ट hmm. है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब यहां पर भी इस भाई ने है ना गलत लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है लेकिन आंसर तो सबके निकल रहे हैं देखो ऐसा नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा आंसर सबके सही है बस स्टेटमेंट देने में पता नहीं क्या पेपर वाले के जी में आ रहा था सब में छाप के रख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या मिस प्रिंट कर रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक्साम्पल मतलब ऑप्शन नहीं है नीचे तो आप इस चीज को इग्नोर करो आप सिर्फ इसको समझो शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल वो उनमें से एक है हुज आई लुक अप जिसको मैं ढूंढ रहा हूं या जिसको मैं ढूंढता हूं लाइक कुछ भी है तो आंसर बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई बट ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये गलत है बच्चों ने चैलेंज किया लेकिन अब सबके नंबर थोड़ा ना मिलते रहेंगे तो शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हुई लुकडअप हुई लुकअप आई लुक अप टू तो आंसर रहेगा टू ठीक है आंसर रहेगा टू शाबाश तुम सारे तो गए अंग्रेजी में चलो नेक्स्ट आंसर बनाओ फटाफट अरेंज करना है अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस गिवन है तो अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस की यदि हम बात करें तो सीधी सी बात है जो अरेंजमेंट स्टार्ट होती है बेसिकली वो आपके नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होती है है ना या मतलब इंटेरोगेटिव uh, से स्टार्ट होगी रिजाइन टू सेम हैड ही नॉट वी वु बीन फोस्ड टू सेम हैड ही नॉट रिजाइन वुड है आपका क्या बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस की सेंस के अंदर हैड ही नॉट वैसे देख लोज हीड ही ठीक है तो हैड ही नॉट रेजाइंड तो थर्ड है फिर थर्ड ये फर्स्ट आ जाएगा ये सेकेंड आ जाएगा ये थर्ड आ जाएगा ये फोर्थ आ जाएगा हाँ सेकेंड का फोर्थ है ना ठीक है आंसर रहेगा फोर्थ ये वो वाला है कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस वी टू है आंसर देखिए फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस वी टू है तो सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस वी थ्री बन गया सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस वी थ्री बन गया तो आंसर रहेगा फोर

पैसे ही बताना समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट क्वेश्चन मैंने ऑन बोर्ड करवाया हुआ है पॉकेट समवन समबड़ी नो बड़ी जब ये होते हैं तो कभी भी बाय करके ये नहीं लगते हैं तो माई पॉकेट पिक्ड बाय समबड़ी गलत है संबड़ी पिक्ड माई पॉकेट ठीक है इसको हम सीधा लिख देते हैं कभी हम ये नहीं कहते कि माई पॉकेट पिक्ड बाय संबड़ी माई पॉकेट एक मिनट हैज था ना भाई सॉरी 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 हैज है तो हैज बीन आएगा एक मिनट हैज था यहां पर तो हैज के साथ बीन लगेगा ये वाला ऑप्शन आएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड सॉरी यहाँ तो v2 है ना हैज तो है ही नहीं सेंटेंस में ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है माय पॉकेट माय पॉकेट हैज बीन पिकड बस बाय समबडी लगाने की जरूरत नहीं होती सिंपल अपने सीधे तरीके से करके देखो ऑब्जेक्ट को आगे ले आए माय पॉकेट हैज है हैज के बाद है बीन लग गया बीन के बाद v3 लग गया बाय समवन मत लिखना एक ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें बाय समवन ठीक है बाय समवन नहीं लगाते हैं मतलब बाय समवन बाय नोबडी बाय संबड़ी ये वाले ऑप्शन हम नहीं लगाते हैं कभी भी तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको ग्रामर के हिसाब से सही शब्दों का चुनाव करना है कि कौन सा शब्द सही है नो सुनर वी रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन अराइव्ड नो सूनर डिड वी ये तो डिड वी वाला तो गलत है नो सूनर डिड नो सूनर डूड तो नो सूनर डिड वी डिड वी वाले सारे सेंटेंसेस गलत हैं तो आपको पता है नो नो सूनर सूनर का डिड वी रीच द द स्टेशन देन ट्रेन नो सूनर वी रीच द स्टेशन हाँ नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन 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 नो सुनर वी रीच द स्टेशन रीस्ट अराइव्ड दो पास्ट एक साथ नहीं आते बी रहेगा इसका नो सुनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव ऑप्शन रहेगा भाई टू ऑप्शन रहेगा टू फिफ्टी फाइव का जो ऑप्शन रहेगा वो टू रहेगा दो पास्ट दो सेम जो पास्ट पास्ट है वो एक साथ नहीं आता तो इसका ऑप्शन रहेगा टू ठीक है टू रहेगा इसका आंसर यस बी सही सही उत्तर है सबका हाँ सही दे रहे हो सब सबका सही है ठीक है नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड फिलिंग इन द ब्लैंक पढ़ना है आपको सही ऑप्शन को फिल करना है ये पीजीटी है तो थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड मिलेगा ही हा नो सूनर के साथ वैसे भी देखो एक मिनट हमने पागलों वाली हरकत करी इस क्वेश्चन को समझने में नो no सूनर का पेयर होता देन ठीक है मतलब बच्चों वाली हरकत करी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझ रही थी एक बार वो बचपन वाली बात याद कर लो यार नो सूनर देन ठीक है नो सूनर के साथ देन देन का इसके अंदर देन है ही नहीं इसके अंदर ई एन वाला देन है ये गलत है और इसके अंदर देन है ही नहीं मतलब बिल्कुल चाइल्डिश वे में भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते थे कि नो सुनर और देन का पेयर होता है तो भी आंसर दो ही जाएगा ठीक है बट मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया थोड़ी और अंग्रेजी झाड़ी है ना तो भी आंसर दो ही आया क्लियर चलो आगे करते हैं नेक्स्ट है मजाक की बात है तुम्हें पता मुझे अंग्रेजी झड़ना पसंद ही नहीं है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन आपको सही ऑप्शन का फिलिंग इन द ब्लैंक बताना है ठीक है दे स्लेप्ट साउंडली वो भाई गर्म मौसम था हवा बहुत जबरदस्त थी फिर भी बहुत मजे से सो रहे थे क्योंकि उनको नींद इतनी जबरदस्त आ रही थी होट आल दो द नाइट हॉट दो वॉज द नाइट एयर गलत लिखा हुआ है होट दो द नाइट एयर वाज होट वॉज द नाइट एयर होट आल दो द नाइट एयर वाज एंड दे स्लेप्ट स्लोटली भाई एयर बहुत ही हॉट थी बहुत ही उस तरीके की थी मतलब बट स्टिल वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे थे भाई सो रहे थे मजे ले रहे थे जिंदगी के ठीक है तो आंसर रहेगा फोर ठंडी ठंडी हवा है छत पर घूम रहे हैं क्लियर तो आंसर है फिफ्टी सिक्स का टू पहले भी जमाना कितना अच्छा होता था ना बचपन में जब छतों पे भी सो जाते थे अब तो बेकार जिंदगी लगती है मुझे हमारा बचपन बड़ा प्यारा था आजकल के बच्चों ने तो वो चीजें महसूस ही नहीं की होंगी है ना हमारे बचपन में मामा के घर जाना और छत पे सोना गर्मियों में वो अलग ही फील होता था मतलब मेरा बचपन मतलब पहली दूसरी क्लास की बातें करती हूँ मैं जो मेरी जिंदगी की फेवरेट है नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिर भाई थी पेपर वाले मुझे इग्नोर मारना और अपने क्वेश्चन को सोल्व करना क्योंकि यहाँ भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट का सीन नहीं है इस सेंटेंस के अंदर भी ठीक है डैश थिंग्स डेट जूली शुड बी गिवन द जॉब डेट नाइदर ऑफ अस हमें से कोई नहीं सोच रहा जूली को जॉब देना चाहिए गलत पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली एवरी वन थिंग्स डेट जूली शुड बी गिवन द जॉब ए नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों को जूली को सोचने का ही काम है और कोई काम नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं भाई ठीक है नाइदर us, नाइदर nor का पेयर होता है इसके अंदर ध्यान से देखो इस ऑप्शन को हम कैसे निकालेंगे इस ऑप्शन को हम ऐसे निकालेंगे ए नंबर ऑफ तो है ही नहीं पूरी दुनिया को जूली के अलावा कोई काम थोड़ी ना है तो ये नहीं है अब नाइदर नाइदर होगा तो नाइदर के साथ नोर का पेयर जरूर मिलेगा इस सेंटेंस में कहीं नाइदर के साथ नोर का पेयर ही नहीं है यह भी नहीं है तो बोथ वाला ऑप्शन तो अपने आप मिट गया आंसर क्या रहा भाई आंसर रहा आपका बी आंसर क्या रहेगा बी ठीक है यस yes. आंसर क्या रहेगा बी उम्र मत पूछो आधे बुढ़ापे में आ चुकी हूं मैं उम्र नहीं बताया करते चलो आगे चलते हैं टू हैव बी इन बोनेट टू हैव बी इन बोनेट का मतलब क्या होता है टू हैव ए बी इन बोनेट भाई बोनेट के अंदर एक मधुमक्खी तो मतलब तुम सोच सकते हो इसका क्या मतलब हो सकता है अट्ठावन टू नो परफेक्टली समबड़ी यू आर विद परफेक्टलीसली टू टेक सीरियसली टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट टू बी इन द बोनेट कहते हैं ना भाई तूने बोनेट के अंदर एक मधुमक्खी डाल दी और वो मधुमक्खी पागलों की तरह इधर से उधर उधर से उधर घूमी जा रही है क्यों तू बात को घुमा फिरा रहा सीधी सीधी बता देना है ना तो बात को घुमाते फिराते नहीं है सीधी सीधी बताते हैं टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट ठीक है टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट जब आप पॉइंट से इधर से उधर भटकाते रहते हो ना मतलब पॉइंट पे नहीं आते हो भटकाते रहते हो जैसे मैं आप भटका रही हूं ठीक है तुम्हें लगती हूँ मैं तुम्हारी उम्र की हूं लेकिन मुझे पढ़ाते हुए साल हो चुके हैं तुम मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस देख के फील कर सकते हो मैं मतलब कि मैं कितनी बड़ी हो सकती हूँ चलो टू डाइवेट फ्रॉम द पॉइंट तो आंसर रहेगा फोर आंसर रहेगा फोर नेक्स्ट पे आ जाते हैं चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस डेट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस डेट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ग्रामेटिकली जो करेक्ट नहीं है उस सेंटेंस के पार्ट को आपको चूज करना है कि वो सेंटेंस कौन सा है जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है देखते हैं। वर्ड ऑफ रनिंग आउट सून क्यों लगा दिया बीच में ठीक है तो ये फोर वाला आंसर गलत है इज सून रनिंग आउट इज गलत <laughs> मतलब तो आंसर रहेगा थ्री आंसर रहेगा थ्री ठीक है पी के जांगड़ा पढ़ ले इतनी भी बुढी नहीं हूं चालीस की करती पीटेगा चलो एंड द लास्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड जंक्शन मीन्स द वर्ल्ड जंक्शर मीन्स क्या होता है अरे मजाक की बात है तुम्हें पढ़ने से मतलब है वो तो मैं तुम्हें बीच में ऐसे ही रिफ्रेश कर देती हूं तुम्हें मेरी ऐसे क्या ही लेना मैं बुढ़ी हूं मैं जवान हूं मैं बच्ची हूँ क्या ही मतलब है तुम्हें मतलब होना चाहिए जो मैडम हमें कंटेंट दे रही है ना वो ऐसा दे रही है पेपर में रखा पाएगा बात खत्म टू वर्ड जंक्चर मीन जंक्चर का मतलब क्या होता है टू ज्वाइस मैनर मजे करने वाले मैनर में जैसे मैं तुम्हें बढ़ाती रहती खतरे में डालना ठीक है. To sound harshly. ओ भाई मैं तुम्हें बताने वाली हूँ juncture का मतलब होता है पॉइंट रेंडर क्रिटिकल बाय circumstances. ठीक है पॉइंट रेंडर बाय circumstances. ठीक है भाई तो दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ एस्टेट 2018. 2020, 18 नहीं सॉरी हमने डिस्कस किया हजार 2019 का पेपर और पीजीटी 2020 का पेपर अब अपने दिल पे हाथ रख के बता दो जिसने मुझसे इंग्लिश पढ़ी है क्या पेपर मुश्किल है पेपर मुश्किल आता है मैडम मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं आता पढ़ लिया करो दिमाग लगा के ठीक है कुछ भी मुश्किल नहीं आता और बाकी क्लास के भी छोटी मोटी जो बात होती है वो मजाक के लिए होती है दो दो तीन तीन पेपर जब करते हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आप लोगों के लिए रहना चाहिए बाकी उम्र उमर ये सब मजाक करने की बात है बस एक चीज ध्यान रखो भाई मैं ठीक ठाक हूँ एक्सपीरियंस होल्डर हूँ और तुम्हें जो गाइडेंस दूंगी वो सही दूंगी बस इतना सा दिमाग में रखो बाकी कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं मैं तब से पढ़ा रही हूँ जब से यूट्यूब पर पढ़ाने का भी चलन नहीं था यूट्यूब चैनल भी नहीं थे ठीक है होंगे लेकिन हम लोगों ने तो जब से जियो आया तब से यूट्यूब का पता लगा है पहले पता ही नहीं था हम तो जब सेलेक्ट हो गए तब हमें पता लगा था यूट्यूब भी कोई बला होती है ठीक है थोड़ा सा पीसीटी वाला हल्का सा ये 2020 का थोड़ा सा पेपर स्टैंडर्ड का था मतलब यदि बात करूं बाकी तुम देखना सारे बिल्कुल यूं यूं आसान लगेंगे तुम्हें ठीक है भाई तो आज के लिए इतना ही काफी है रात को हम साइकोलॉजी के पेपर करेंगे और हिंदी के किसी दिन एक दिन मतलब एक दिन या फिर मैं जैसे मेरा मूड बनेगा आपको पता ऑल थिंग डिपेंड ऑन मूड हाँ हाँ सत्रह नवंबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं कल सत्रह नवंबर है क्या अरे वाह <laughs> चलो भाई तो आ, क्या बोल रही थी मैं कल तो कोई इंसिडेंटली कल मैथ की क्लास क्यों लगवा रही हूँ फिर तो मैं मेरी एनिवर्सरी पे मैं ही क्लास लेती मैराथन है ना कुछ अच्छा कुछ नया इतिहास क्रिएट करते बट कोई बात नहीं भाई मैथ्स की मैराथन है कल ठीक है सुबह नौ बजे हाजिर हो जाना बाकी अभी तो मैं दिन में दो तीन क्लास और दूंगी टीजी टी इंग्लिश का पेपर भी करवाऊंगी अभी एक स्ट्रेटी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ लाइव नहीं करती तुम बड़ी बातें करते हो आ, मैं रिकॉर्ड करके डालती हूँ उस वीडियो को तब तक तुम ये क्वेश्चन रिवाइज करो बाय टेक केयर जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं मैं बता दू हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को किसी भी स्टेट के कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दूसरा जो बच्चे होते हैं जो वीडियोज को वैसे ही देखते रहते हैं बिना थम्सअप करे हाई कितने बेकार बच्चे हैं हजार बच्चे देख रहे हैं नाइन्टी फाइव बच्चों ने थम्सअप लगाया मतलब बाकी के तो अंगूठा ही नहीं है ना हाई ना 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 छह सौ ने लगा रखा है 200 बच्चों का अंगूठा कहां चला गया थम्स अप कर दिया करो वीडियो पे कमेंट कर दिया करो वीडियो को शेयर किया करो हर एचेट वाले बच्चे के पास ये वीडियो जरूर जानी चाहिए एच के रिजल्ट के बाद मुझे बस एक ही चीज सुननी है मैडम सारा पेपर आपकी वीडियो में से आया था ठीक है बाय टेक केयर थैंक यू मंजू